अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह चिकन और सब्जियों का एक ऐसा पुलाव बनाएंगे जिसे खाकर आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये ऐसा पुलाव है जो आपके डेली मेन्यू में भी काम आएगा और दावतों में भी काम आएगा और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। इसे बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है जिससे कि ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक आलू ले रहे हैं, मैंने आलू को छील कर कट करके रख लिया है और एक गाजर है जिसे हमने कट कर लिया है और यहाँ पर आधा कप ग्रीन पीस है यानी हरे मटर है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं फ्रोज़न भी ले सकते हैं और एक रेड कैप्सिकम है, अगर ये मिलती है तो ठीक है अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और एक देखिए हरी शिमला मिर्च ली है, इसे भी बीज निकाल कर कट कर लीजिए और एक येलो कैप्सिकम है यानी पीली शिमला मिर्च, अगर नहीं मिलती है तो नॉर्मली आप लाल फ्रेश मिर्चें ले लें। अब देखिए यहाँ पर हमने पाव कप तेल गरम किया और गरम तेल में हम आलू फ्राई कर रहे हैं, आलू को आप हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए, अच्छी तरह से फ्राई करके आप इसे निकाल लीजिए। ठीक है हमने आलू फ्राई कर लिए, अब आप आलू फ्राई करके निकालिए, उसके बाद आप इसमें डालें सारी सब्ज़ियाँ, सारी सब्जियों को आप हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लें। ठीक है तो हमने इन्हें फ्राई करके निकाल लिया, बहुत गलाइए मत आप इसे, बस 80 to 90% आप इसे फ्राई करके निकाल लीजिए। ओके अब हम उसी तेल में डालेंगे हाफ टी स्पून शुगर और शुगर को हम कैरमलाइज़ करेंगे यानी हल्का सा ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, यहाँ हमने 400 ग्राम चिकन डालना है, बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस हमने डाले हैं और चिकन डालकर हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम एक पतीले में क्या करेंगे, आधा कप से थोड़ा कम तेल गरम करेंगे और उसमें हम 2 से 3 इंच की दालचीनी और 4 लौंग डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची खोल कर डालिए और उसके बाद 8 से 10 हरी मिर्चों को चीर कर आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है हमने हरी मिर्चें चीर कर इसमें डाल दी और एक प्याज डाल दीजिए कटी हुई और कटी हुई प्याज डालकर फ्राई कीजिए और फ्राई करने के बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और अब गैस के फ्लेम को धीमा कीजिए और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और अब हम ऐड करेंगे 1 कप दही। ठीक है ये मीडियम खट्टा है, ना बहुत ज़्यादा खट्टा ना फीका, मीडियम खट्टा हमने दही डाला और लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून मैजिक मसाला, जो मैजिक मसाला आता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें 1 कप हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए। ठीक है आप इसमें डालिए और इसे अच्छी तरह से पकाइए, देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कीजिए, नमक हमने इसमें ऐड किया और अब डाल दीजिए 3 ग्लास पानी। ठीक है हमने 3 ग्लास पानी डाल दिया, अब इसे बॉईल होने दीजिए मसालों के साथ इस पानी को, जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा यानी उबल जाएगा आप इसमें डाल दीजिए 1/2 किलो बासमती चावल जो हमने 1 घंटे से भिगो कर रखे थे। अब हमने इसमें बासमती चावल ऐड कर दिए, अगर आप बासमती चावल नहीं खाना चाहते तो बारीक चावल भी डाल सकते हैं, तो आपने इसे इसमें चावल डालने हैं और हाई फ्लेम पर आप इसे पका लेंगे और पकते वक्त हम इसमें डालेंगे ये तला हुआ चिकन, तला हुआ चिकन डालिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और चावलों के साथ पकने दीजिए। ठीक है इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गरम मसाला पाउडर डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद डाल दीजिए ये सारी सब्जियां जो हमने फ्राई करके रखी थी, आलू डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए पहले ताकि आलू में भी फ्लेवर आ जाए, आलू सारी मसालों का फ्लेवर अपने अंदर ले लेता है और टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून देसी घी, देसी घी डालने से इस पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। फिर आप ढक्कन ढाकिए और ढक्कन ढाक कर इसे धीमी आंच पर पकाइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, धीमी आंच पर कुछ देर पकाने के बाद उसमें आप तली हुई सारी सब्जियां डाल दीजिए, सारी तली हुई सब्जियां हमने इसमें ऐड कर दी, आप इसे अब मिक्स कीजिए अच्छी तरह से और पहले हमने आलू डाले फिर तली हुई सब्जियां डाली, उसके बाद हम चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई हरी प्याज की पत्ती और हरा धनिया डाल देंगे। ये हमने हरी प्याज की पत्ती करीब 1/2 कप से पाव कप जितनी डाली है, अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर हमने फिर से इसे ढक्कन ढाक कर 5 से 6 मिनट पका लेना है।
तो अब देखिए, अब जब हम 5 से 6 मिनट बाद खोलेंगे तो बेहतरीन खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार हमारे पास पुलाव बनकर तैयार है। देखिए अब चावल बिल्कुल खिले खिले दिखाई दे रहे हैं और सब्जियां बिल्कुल ज़बरदस्त थोड़ी थोड़ी कच्ची हैं और बहुत अच्छी तरह से मीन्स फ्राई की हुई हैं, लेकिन कम्प्लीट ना होने की वजह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब देखिए हमने इसे प्लेट में सर्व किया है, चावल बिल्कुल परफेक्टली पके हैं और चिकन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके फ्लेवर का तो क्या कहना। आप इस पुलाव को अगर एक बार खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। देखिए अब मैं इसके साथ दही सर्व कर रही हूँ, दही का रायता जो हमने प्याज और वगैरह डालकर बनाया है, जो नॉर्मल रायता होता है उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। एक बेहतरीन डिश है, एक बेहतरीन रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबास बेस्ट क्लासेस।